नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेंद्र तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं एमपी ऑनलाइन सीएससी बिजनेस ट्रेनिंग के इस चैनल पे। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको एमपी ऑनलाइन और सीएससी बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज मिलती रहते हैं। साथ ही यदि आप कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते तो हमारा ऐप है कंप्यूटर ज्ञान केंद्र, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, यदि आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं और पैन कार्ड आवेदन करते समय पेमेंट कटने के बाद किसी कारण से आपका पैन कार्ड रिजेक्ट हो जाता है या आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं प्रोसेस को, और फाइनल सबमिट होने के पहले ही आप जो है इस फॉर्म से बाहर हो जाते हैं और दोबारा ये फॉर्म आप अप्लाई नहीं कर पाते, जिस कारण से आपकी पेमेंट फंस जाती है। अभी यहां पर समस्या ये होती है कि पेमेंट रिफंड कैसे प्राप्त की जाए। तो वैसे तो 99% चांसेस होते हैं कि जो पेमेंट आपकी कटी हुई है यहाँ पर पैन कार्ड के माध्यम से, और अगर आपने पैन कार्ड को फाइनल सबमिट नहीं किया है, आपका पैन कार्ड कंप्लीट नहीं हुआ है प्रोसेस, तो वो पैसा आपको आपके उसी अकाउंट में रिफंड मिल जाएगा जिस अकाउंट से आपने पेमेंट की होगी। ठीक है, 99% चांसेस रहते हैं कि आपको रिफंड बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। आपको किसी भी प्रकार की कंप्लेन करने की, किसी भी प्रकार की कॉल करने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन फिर भी 1% चांस पे अगर मान लो 4 से 5 दिन में आपको पैसा रिफंड नहीं मिलता है, तब आपको क्या करना होगा, इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा। तो इस कंडीशन में चाहे NSDL हो चाहे UTI हो, ये दोनों वेबसाइट की बात करूंगा, कि चाहे आप NSDL की बात करो चाहे UTI की बात करो, इन दोनों कंडीशन में, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से पेमेंट लगती है, जब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई फिलिंग वाली साइट से करते हैं तो वहां पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, जब आप NSDL या UTI से करते हैं तब यहां पर आपकी टोकन, आपको नंबर मिलता है और साथ ही साथ आपकी पेमेंट भी करते हैं जो लगभग 107-106 रुपए की होती है। तो अब मान लो आपने UTI या NSDL के माध्यम से किया है आवेदन और आपकी पेमेंट कट गई है, और उसके बाद 5 दिन के या 4 दिन के बाद भी आपको रिफंड नहीं आई है, तब आपको क्या करना है। तो यहां पर NSDL का पोर्टल आपके सामने ओपन है। इस पोर्टल की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से जाकर आप इस लिंक के माध्यम से इस वेबसाइट तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यहां पर जाने के बाद आपको जाना है कस्टमर केयर ऑप्शन पे, दिखाई दे रहा है राइट साइड, यहां पर जाने के बाद कंप्लेंट एंड क्वेरीज में आप चले जाएं। कंप्लेंट एंड क्वेरीज में जाने के बाद, NSDL की साइट में कंप्लेंट एंड क्वेरीज में जाने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से कस्टमर केयर फॉर्म आपको दिखाई देने लगेगा। यहां पर 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, एक तो क्वेरी है यानी कि आपको कोई सवाल करना है, कंप्लेंट करना है, या आपके पास कोई सजेशन है इनके इम्प्रूवमेंट के लिए। तो यहाँ पर हम कंप्लेंट लॉन्च करेंगे, मतलब आप क्वेरी कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, आपको अगर कोई डाउट है उससे रिलेटेड तो यहाँ पर आप क्वेरी के माध्यम से भेज सकते हैं, कंप्लेंट के रूप में भी आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ कोई सजेशन आप उनको देना चाहें तो वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ फील्ड्स हैं जो आपको फिलअप करनी है, और ये सारी की सारी फील्ड मैंडेटरी है, आपको कंपलसरी है, सारी फील्ड्स को आपको भरना है। आपको सबसे पहले अपना नाम डालना है, अब आपको यहाँ पर आपका एड्रेस जो है, नेम ऑफ बिल्डिंग, तो यहाँ पर आप अपना विलेज का नाम या लोकेलिटी या रोड जो भी एरिया है वो आप डाल सकते हैं, आपकी सिटी कौन सी है, आप किस स्टेट से, आपका पिन कोड क्या लगता है, आपका टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी क्या है, और आपका पैन कार्ड नंबर क्या है। ऑप्शनल इसलिए है क्योंकि पैन कार्ड अगर आपने बनाया है और बनाते समय ही एरर आ गई, आपका पैन कार्ड नहीं बन पाया, इसलिए इसको ऑप्शनल दिया, आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। Which you have complained, आपको किस चीज से रिलेटेड कंप्लेंट है, ये यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपके सब पास बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, अब इसमें आप देखेंगे बहुत सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर डिडक्टर मैनुअल है, ई रिटर्न आपका इंटरमीडिएटरी है, फाइल वैलिडेशन है, NSDL रिटर्न आपका यूटिलिटी है, अदर पेन एप्लीकेशन, तो आप यहाँ पर पेन एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, क्योंकि पेन से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है या कंप्लेंट है। पेन एप्लीकेशन के बाद यहाँ पर जो कंप्लेंट क्वेरी फीडबैक है, यहाँ पर आपको अपने टोकन नंबर के साथ, आपके नाम के साथ, मतलब जिस भी, मान लो आपने किया है, आपके कस्टमर ने किया है, आपके कस्टमर के लिए आपने किया है, तो उनकी डिटेल आपको भरनी है, आधार के अनुसार जो भी उनका नाम है, जो उनका आधार नंबर है, जो उनका टोकन नंबर है, वो सारी जानकारी आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे, और ये जानकारी देंगे कि भाई इनका जो प्रोसेस हुआ है वो कंप्लीट नहीं हो पाया, जिस कारण से जो अमाउंट है वो आप रिफंड हमको कर दें। और रिफंड करने के लिए आपने जो ट्रांजेक्शन आईडी आपकी होगी, जो आपके
या तो ईमेल में गई होगी या आपका जो ऑनलाइन आप यूज करते हो उसमें गई होगी, वो ट्रांजैक्शन आईडी भी आप अगर यहाँ पर दे देंगे तो थोड़ी सी और सहूलियत यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हो जाएगी, एनएसडीएल को हो जाएगी आपके अमाउंट को रिफंड करने के लिए। तो वो ट्रांजेक्शन आई डी भी आप यहाँ पर जरूर दे दें। इसके अलावा अब अगर बात करें यूटीआई की, तो यूटीआई में जब आप जाओगे तो यूटीआई में ये वेबसाइट है utiTSLL.com और पैन इंक्वायरी आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस में जाएंगे, कॉन्टैक्ट अस में फॉर पैन इंक्वायरी यहाँ पर जाते हैं। तो ये तीन चीज़ आपको दिए, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, ये कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज एक ईमेल आईडी दी है। तो इस ईमेल आईडी पर जैसे कि हमने अभी एनएसडीएल में बताया कंप्लीट डिटेल जो जो आपको भेजना है वो सारी डिटेल आप यहाँ पर इस यूटीआई की वेबसाइट में जो जो ईमेल दिया है इसमें भी मेल कर सकते हैं। तो अगर आप यूटीआई से बना रहे थे और उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं, और एनएसडीएल में तो वहाँ पर एक कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। ये दो तरीके यहाँ पर, अगर आपके पास रिफंड नहीं आता है तो आप इनसे जानकारी, इनसे बात कर सकते हैं, इनको आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं ताकि आपकी जो भी पेमेंट रिफंड आप चाहते हैं वो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।